नमस्ते बच्चों, बच्चों हमने पुरस्कार पाठ का कुछ अंश पढ़ा था, आज उसे आगे का कंटिन्यू करेंगे। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है, कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है कि रोज़ की तरह उस दिन शाम को भी वह बाज़ार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थीं। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा हुआ अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार बिक न जाएं। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुँच पहुँच कर आवाज़ लगाई, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा अखबार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुँचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुटपुटा और घना होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला, उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। बच्चों, इस पाठ्यांश में जो नए शब्द हैं उनका अर्थ कुछ इस प्रकार है, निर्धन गरीब, संयोगवश इत्तफाक से, सांझ संध्या, हैरानी आश्चर्य, चटपटी मजेदार, डकैती लूट, झटपट तुरंत, ढंग तरीका फटाफट, जल्दी जल्दी, अचूक न चूकने वाला। तो बच्चों, इन शब्दों के अर्थ से भी हमें वाक्य निर्माण करना चाहिए। सत्यपाल एक सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब को देखा, फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी कोई बड़ी खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है।
चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। बच्चों, इस पाठ्यांश में आए कठिन शब्द कुछ प्रकार हैं, सरासर, एकदम, झूठ, मिथ्या, दौड़ धूप, मेहनत, प्रथम, अव्वल, प्रण, पक्का, निश्चय। बच्चों, इस पाठ में कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि पीठ ठोकी, उसका अर्थ होता है शाबाशी देना, नमक मिर्च लगाना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो बच्चों, हमने देखा ये पूरे पाठ पढ़े और इनके शब्दार्थ भी हमने समझे। तो बच्चों, इन शब्दार्थ को आपको कॉपी में लिखना है और इनसे वाक्य निर्माण भी करना है। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा पूरा हुआ। आगे की कक्षा में हम इनके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।